आजकल घरों में इन्वर्टर के होने से हर मौसम में बहुत आराम रहता है, लेकिन इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा गर्मी में पता चलती है। जिन जगहों में गर्मी की खूब कटौती होती है, वहाँ के लिए इन्वर्टर बहुत ही ज़रूरी चीज़ लगती है। लेकिन जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान गर्मी में ओवरहीट होने का शिकार होते हैं, वैसे ही इन्वर्टर की ठीक से देखभाल न की जाए तो इसमें भी ओवरहीटिंग से आग लगने का खतरा बना रहता है। गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक सामान में शॉर्ट सर्किट होना या आग लगना बहुत आम सी बात है, और किसी तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए सावधान रहना भी ज़रूरी है। लगातार इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने की खबरें आप लोग सुनते रहते होंगे। आग लगने से जान और माल दोनों का नुकसान होता है, और जिसके घर में इन्वर्टर है उनके मन में तो ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर आग किन कारणों से लग जाती है और हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में। एक्सपर्ट कहते हैं कि इन्वर्टर में चार्जिंग बताने वाली लाइट जब खराब हो जाती है तो लोग उस पर खास ध्यान नहीं देते और उससे बैटरी के ओवरचार्जिंग का खतरा बढ़ जाता है। ओवरचार्जिंग से बैटरी बहुत तेजी से गर्म हो जाती है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर आप भी इन खास बातों का ख्याल रखेंगे तो बड़ा खतरा टल सकता है। अगर घर पर ज़्यादा वोल्टेज है तो इन्वर्टर को शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिससे आग लग सकती है। वही अगर इन्वर्टर की वायरिंग बहुत पुरानी हो गई है या अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो इससे भी तार शॉर्ट्स होने में खतरा बढ़ जाता है। साथ ही बैटरी में पानी का लेवल जांचने के लिए एक इंडिकेटर होता है, उसे रेगुलर देखते रहें, क्योंकि अगर बैटरी में पानी कम हो गया है तो उसकी वजह से भी लोड बढ़ सकता है और बैटरी फट भी सकती है। किसी भी सामान की लाइफ बढ़ानी हो तो उसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटेनेंस ना होने पर इन्वर्टर के अंदर धूल और गंदगी जम जाती है जो शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है। साथ में ये भी देखें कि जहाँ पर आपने इन्वर्टर या बैटरी को रखा है वहाँ पर हवा सर्कुलेशन होता रहे ताकि बैटरी हीट ना हो। तो आप भी इस सावधानियों को बरत सकते हैं और शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं से बच सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।